brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. हमारी आंखें अलग थे, पर ना जाने कैसे एक दिन हम टकरा गए। कुछ पलों के लिए आंखों से आंखें मिली, फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने। सोचती रही उसके बारे में दिन रात, ढूंढती रही उसको हर जगह। क्या यहाँ का है? कहाँ का है? करता क्या है? नाम क्या है? गर्लफ्रेंड होगी कोई उसकी? इतना ही होगा, ऑब्वियसली होगी। फिर पता नहीं कैसे पर धीरे धीरे हमने बातें शुरू की, बातें बढ़ी, फिर नजदीकियां भी बढ़ी। यूं ही बात करते करते मैं जान न पाई कब उसकी तरह खींची चली गई, पागल हो गई थी उसके बारे में। उसकी पसंद को अपनी पसंद लगा, उसको एक दफा देखने के लिए ना जाने कितनों का पेट्रोल बर्बाद किया, उससे बात करने के लिए ना जाने कितने बहाने बनाए। कभी बर्थडे का बहाना तो कभी वो सारी गलती से कॉल ले जाए। किसी किसी भी ताकि उसकी आवाज सुन सके, चाहे वो कुछ पलों के लिए, क्योंकि मिलना तो हमारे नसीब में था ही। उसके सारे पिक्स के सारे कमेंट्स बार बार चेक करें, किसने क्या रिएक्ट किया वो भी देखें। और अगर गलती से किसी लड़की का नाम दिख जाए तो मेरे अंदर का शौर्य पहुंचा, इनफैक्ट उसके बेस्ट फ्रेंड के अकाउंट को भी स्टॉप कर। और अगर कहीं रास्ते में वो दिख गया तब तो मेरे गाल जैसे एप्पल की तरह लाल होकर बस गिर गया। वो वक्त ही कुछ और था, वो वक्त ही कुछ खास था, पर वो मेरे लिए नहीं था, ये मुझे पता है। कुछ वक्त लगा ये एहसास होने में, पर कोई ना, देर आए दुरुस्त है। लास्ट में बस कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। बेगैरत लोगों को अहमियत देके हमने उनकी शान को ज्यादा ही बढ़ा दी, और इतने में जान ना पाए तो अपना वजूद ही खो गया।